हाय गाइस, इट्स मी पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्लोथिंग आइटम्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बेबी के लिए लिए हैं फ्रॉम फर्स्ट क्राई। गाइस, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी फर्स्ट क्राई के वीडियोस में आपने लिंक नहीं दिया। एक्चुअली फर्स्ट क्राई पे होता क्या है कि प्रोडक्ट्स एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो मैंने हार्डली देखा है कोई रीस्टॉक होता है। तो इन दैट केस आई कांट गिव यू लिंक ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट्स के लिंक्स नहीं दे पाती हूँ। तो अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन वही चीज़ें, अगर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सिमिलर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्वेट शर्ट, जो कॉटन की है। जैसे हल्की हल्की ठंड शुरू होती है उसमें आप बेबी को पहना सकते हैं, जब हल्की थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप अंदर एक लेयर डाल सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका टी शर्ट का, एंड स्वेट शर्ट एक्चुअली नॉट टी शर्ट। और इसका MRP है 629 रुपीज़। ब्रांड इज सिग्नेचर और इसका ट्रस्ट मी गाइस बहुत बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका डिज़ाइन और सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्वेट शर्ट। नेक्स्ट है ये फ्रॉम लिटिल टमेटोज़। इसका MRP है 1349 रुपीज़। साइज इज़ 18 to 24 मंथ्स। थोड़ा बड़ा है अगर आपका बेबी, जैसे हम 6 महीने बड़े कपड़े ख़रीदते हैं तो आप सही रहेगा 18 to 24, मतलब 6 मंथ्स बड़े जो ख़रीदते हैं तो वो परफेक्ट साइज़ रहेगा। ये काफ़ी थिक मटेरियल जो जब ठंड हो जाती है प्रॉपर, एंड अंदर से भी ये जैसे फैब्रिक देते हैं वॉर्म, तो वॉर्म दिया हुआ है। काफ़ी मोटा है, कम ठंड में तो नहीं चलेगा, जब प्रॉपर सर्दी होने लगती है ठंड होने लगती है तब चलेगा। कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, काफ़ी थिक मटेरियल है एंड इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लिटिल टमेटोज़ के कपड़े मैंने इस बार फर्स्ट टाइम ख़रीदे हैं। इसमें नेक्स्ट जो स्वेट शर्ट है वो है ये बेबी हक की। बेबी हक के मैंने काफ़ी लिए हैं पहले भी, सबका फैब्रिक जो होता है अलग अलग ही रहता है। ये काफ़ी पतला सा फैब्रिक है, अगेन जब हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है तो आप इसको पहना सकते हैं, उसके बाद इसमें अंदर एक लेयर डाल सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज़ 499 रुपीज़, एंड 18 to 24 मंथ्स है ये। और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगी, येलो कलर, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेबी के पास बहुत ज़्यादा ब्लू कपड़े हो गए थे, मैंने ब्लू नहीं लिया इस बार, ऐसा लगता है सेम पहने हुए डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के और अलग अलग ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने जानबूझकर ब्लू कलर नहीं ख़रीदा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसका जो पेंट है, आई डोंट थिंक ये कहीं जाने वाला है, ऐसा वाला लग तो नहीं रहा है कि इसका पेंट हटेगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम मिंत्रा, H&M की है ये। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। ये भी है तो देखने में थोड़ी पतली सी, लेकिन ये वॉर्म है, अंदर जो इसका ये मटेरियल दिया हुआ है ये वॉर्म है काफ़ी ज़्यादा, जैसे गर्म कपड़ों में देते हैं तो ये काफ़ी वॉर्म है। साइज़ जो है बच्चे का, बेबी का, वही आप लीजिएगा जो है। अगर हम 6 मंथ्स का जैसे लेते हैं तो H&M के कपड़े थोड़े बड़े ही होते हैं, जो मैंने अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेबी क्लोथिंग में 12 to 18। लेकिन साइज़ इनका जो उसमें 18 to 24 है वही दिया हुआ है, थोड़ा किसी किसी से थोड़ा बड़ा ही हो सकता है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगा। एंड इसका प्राइस 999 रुपीज़ है। नेक्स्ट मैंने टी शर्ट्स लिए हैं, दिस इज सेट ऑफ 3। ये ब्लू कलर्स थे तो ये तो मैंने ले लिए, ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ लिए हैं क्योंकि गर्मियाँ तो चली जाएंगी, फिर आई थिंक ये नेक्स्ट ईयर बेबी को काम आए, 2 to 3 ईयर्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टी शर्ट दैट्स लिटिल डूड। काफ़ी अच्छा सा प्रिंट है एंड फैब्रिक भी इसका अच्छा खासा है, बहुत सॉफ्ट और अच्छा कॉटन दिया हुआ है, बहुत ऐसे पतला सा नहीं है। नेक्स्ट ये है एंड द लास्ट वन इज़ दिस। तो ये भी अच्छी टी शर्ट्स हैं, इसमें और भी डिज़ाइंस के ऑप्शन थे, सेट ऑफ 3 था। सो गाइस एक और है, सॉरी ये मैंने अभी नहीं मंगाया, मैंने बहुत दिन हो गए हैं, ये तो नहीं होगा स्टॉक में और अभी तक नया रखा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ के मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था और उस टाइम पे गर्मियाँ थी तो मैंने बड़ा ही मंगा लिया था। ये भी काफ़ी स्मार्ट है, ट्रैक सूट है कम्प्लीट, ये हुडी वाला, एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। देखती हूँ अगर ये स्टॉक में होगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको परचेज़ किए हुए। पर बेबी ने ये आई थिंक एक ही बार पहना था थोड़ी देर के लिए अपने बर्थडे वाले दिन में, बाकी अभी तक नहीं पहना है। सो गाइज दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।